जाने माने उद्योगपति और मशहूर हस्तियां कैची धाम आके बाबा नीब करोरी जी के दर्शन लेके जाते हैं। Hello people, hope you all are happy, healthy and fine. Welcome to the channel once again. This is Rishi Grover Vlogs. और इस बढ़ती गर्मी के चलते मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ some of the best and coolest offbeat places to visit. ये सारी जगहें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ पे मैं खुद जाके आ चुका हूँ। मैंने सारी जगह विजिट करी है, उन्हें अच्छे से घूमा है, तब जाके ये रिकमेंडेशन वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। कुछ भी ऐसी बात नहीं हो रही इस वीडियो में जो मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं करा है। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर बजट। अगर आपको लग्जरी ट्रिप चाहिए तो स्काई इज द लिमिट, बट जो मैं जगहें आपको बताने जा रहा हूँ दे आर वेरी बजट फ्रेंडली एंड आप एक मिनिमल बजट में बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रिप करके वापस आ सकते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा टूरिस्ट अभी तक नहीं जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं बाय माय फेवरेट प्लेस दैट इज मुक्तेश्वर। अगर आप प्राइवेट टैक्सी या फिर अपनी कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो ब्रेक टाइम मिला के करीब 8 घंटे में आप दिल्ली से मुक्तेश्वर पहुंच जाएंगे। इसके बाय रोड रास्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो करीब 9 घंटे में आप दिल्ली से मुक्तेश्वर पहुंच जाएंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हाउ टू रीच मुक्तेश्वर विद द कॉस्ट इन्वॉल्वड। दिस ट्रांसपोर्ट मीडियम इज द बेस्ट इफ यू आर ट्रैवलिंग इन ग्रुप्स। ट्रेन जर्नी इज ऑल्सो अ ग्रेट एक्सपीरियंस from Delhi to Mukteshwar. It takes approx 7 hours from Delhi to reach Mukteshwar. और इसके रास्ते भी काफी खूबसूरत हैं। फ्लाइट इज अनदर ऑप्शन मुक्तेश्वर पहुंचने के लिए और पूरे 5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं मुक्तेश्वर। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज पंतनगर। मुक्तेश्वर पहुंचने की तो बात हो गई है, अब पहुंच के रहना कहाँ है चलिए आपको बताता हूँ। नंबर 1 ऑन आवर लिस्ट इज कासा ड्रीम द रिजॉर्ट। ये लग्जरी होटल उन लोगों के लिए जिनके लिए कॉस्ट इज नो बार। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं रूम व्यू विद ऑल द एक्टिविटीज जो बड़े और बच्चे दोनों के लिए ही है। इसकी टेरेस से हमें काफी अच्छा व्यू देखने को मिलता है एंड फूड हियर इज फ्रेश एंड वेरी डिलीशियस। जब मैं मुक्तेश्वर गया था आई स्टेड एट गोस्ट ऑफ मुक्तेश्वर, वहाँ पे हमने बंक बेड लिया था, उसकी कॉस्टिंग्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड ओवरव्यू प्रॉपर्टी का। अगर आप अपने दोस्तों या फिर अपने पार्टनर के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हॉस्टल दी बेस्ट ऑप्शन है। आई रियली एंजॉयड माई स्टे एट गोस्ट ऑफ एंड इट इज अ मस्ट रिकमेंड। आइए अब आपको मुक्तेश्वर घुमा के लाते हैं। चौली की जाली जिसे चौथी जाली के नाम से भी जाना जाता है मुक्तेश्वर मंदिर की चट्टान के पीछे स्थित एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये मुक्तेश्वर मंदिर से सिर्फ 250 मीटर की दूरी पे है और चौली का मतलब होता है चट्टान, जाली का मतलब होता है छेद। मुक्तेश्वर धाम टेम्पल जाकर धरती से 2300 मीटर ऊपर आप लॉर्ड शिवा के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग है 7 AM से 7 PM। नेक्स्ट इज भालूगढ़ वाटरफॉल जो एक हिडन वाटरफॉल है मुक्तेश्वर में। यहाँ नहाना भी अलाउड है, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप खूब मजा कर सकते हो, पर अगर यहाँ विजिट करें तो प्लीज गंदगी ना मचाएं। लास्ट एंड द बेस्ट इज द जैन मंदिर मुक्तेश्वर। इस मंदिर से आपको देखने को मिलते हैं ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ ओम पर्वत, नंदा देवी पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड कैलाश पर्वत रेंजेस। द नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज चकराता। चकराता अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन तो है ही, पर इसके बाय रोड ट्रैवल करने के रास्ते भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। दिल्ली से अप्रॉक्स 8 से 9 घंटे लगते हैं आपको चकराता पहुंचने में, अगर आप अच्छे खासे ब्रेक्स भी लेते हैं बीच में। चलिए देखते हैं चकराता पहुंचा कैसे जाए बाय एयर। द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू चकराता इज जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो कि लोकेटेड है देहरादून में। इस एयरपोर्ट से लेनी पड़ेगी आपको एक टैक्सी चकराता पहुंचने के लिए। बाय ट्रेन देहरादून है नियरेस्ट रेल हेड टू चकराता। ये भी चकराता से अप्रॉक्स 92 किलोमीटर की दूरी पे है जहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। बाय रोड द ग्रैंड ट्रंक रोड सर्व्स एज अ परफेक्ट लिंक बिटवीन दिल्ली एंड चकराता। बाय रोड करीब 7 से 8 घंटे आपको लगेंगे चकराता पहुंचने में। डायरेक्ट बस सर्विस दिल्ली से चकराता नहीं ऑपरेट करती। चकराता इज वेल कनेक्टेड टू देहरादून, पौंटा साहिब एंड कलसी जहाँ के लिए दिल्ली से डायरेक्ट बसेस चलती है। आइए देखते हैं दी ऑप्शंस टू स्टे इन चकराता। जब मैंने विजिट किया था चकराता तो आई स्टेड इन सवाई डांडा रिजॉर्ट। यहाँ पे रूम टैरिफ स्टार्ट होता है 3500 रुपीज से इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर एंड देयर इज आल्सो अ फैमिली सुइट जिसकी टैरिफ है 7000 रुपीज जहाँ पे आप 4 लोग साथ में रह सकते हैं इफ यू आर अ फैमिली। आई रियली एंजॉयड माई स्टे हियर। ये एक पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है और मैं यहाँ अपने प्यारे बच्चे सिम्बा के साथ गया था। ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज एंड फूड हियर इज गुड। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज प्रकृति अनवाइंड रिजॉर्ट विच इज अकॉर्डिंग टू द रिव्यूज इज द बेस्ट प्रॉपर्टी इन चकराता। यहाँ का खाना काफी डिलिशियस माना जाता है एंड देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पे रूम्स काफी स्पेशियस और सुंदर है। यहाँ रूम टायर 4600 से स्टार्ट हो जाता है। प्रॉपर्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर इन इटसेल्फ इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे काफी सारे सीटिंग एरियाज भी हैं जहाँ से आप चकराता के पहाड़ों के ब्रेथ टेकिंग व्यूज ले सकते हैं। मूविंग अहेड चकराता हैज हॉस्टलर चकराता जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं इफ यू आर ट्रैवलिंग विद योर फ्रेंड्स और फैमिली बिकॉज हॉस्टल इज द बेस्ट अकोमोडेशन फॉर कपल्स एंड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। रूम्स हियर आर स्पेशियस ऑल्दो दे आर अ बिट एक्सपेंसिव बट द वाइब हियर मेक्स इट वर्थ। चलिए अब देखते हैं चकराता में घूमा कहाँ कहाँ जाए।
स्टार्टिंग फ्रॉम चिलमेरी टॉप जो है हाईएस्ट पीक इन चकराता। मेन चकराता से 3 किलोमीटर की दूरी पे ये एक परफेक्ट प्लेस है टू वॉच बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वन कैन व्यू द इम्पोजिंग सीनरीज ऑफ रोहिणी पीक, स्वर्ग पीक एंड बांडरपूंछ मैसिव। मूविंग ऑन, चकराता की बेस्ट अट्रैक्शन टाइगर फॉल्स है, 312 फीट ऊंची एक वाटरफॉल जो इंडिया की सबसे बड़ी वाटरफॉल मानी जाती है। चकराता घूमते समय ये डेस्टिनेशन बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, स्पेशली विद योर फ्रेंड्स और फैमिली। द लास्ट ऑन आवर लिस्ट इज बुधेर केव्स। माना जाता है महाभारत में पांडवाज ने ये केव बनाई थी जब उनके कासल को आग लगा दी गई थी और उस समय पे ये केव 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लेंथ की थी। मूविंग ऑन, द थर्ड ऑन आवर लिस्ट इज कसार देवी। आइए देखते हैं कसार देवी पहुंचना कैसे है। लेट्स एक्सप्लोर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। दिल्ली से करीब 12 घंटे की दूरी पे बाय रोड कसार देवी एक ऐसी जगह है जहां पे जाके आप बहुत ही ज्यादा पीसफुल फील करेंगे और बहुत ही कम टूरिस्ट होने की वजह से आपको शांति और मजा तो यहाँ मिलेगा ही। कसार देवी से 124 किलोमीटर की दूरी पे नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर। टूरिस्ट यहाँ से इजीली कैब्स अवेल कर सकते हैं कसार देवी पहुँचने के लिए। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कसार देवी से है काठगोदाम, जो कि यहाँ से 88 किलोमीटर की दूरी पे है। काठगोदाम स्टेशन से बसेस एंड टैक्सी इजीली अवेलेबल है कसार देवी पहुँचने के लिए। तो अब एक्सप्लोर करते हैं कसार देवी में कुछ बेस्ट रहने की जगह। जब मैं कसार देवी गया था आई स्टेड एट गो स्टॉप्स कसार और ये एक काफी साफ और अच्छी प्रॉपर्टी थी जो कि हमारे बजट में भी थी। एक्टिविटीज यहाँ पे भरपूर हैं एंड ऑल्सो दे हैड दिस कॉमन सीटिंग एरिया जो कि काफी अच्छा बना हुआ था। आप स्क्रीन पे अपनी देख सकते हैं, वेरी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल वाइब्स ये था इनका आउटडोर सीटिंग एरिया जहाँ पे आप रात को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ बॉनफायर कर सकते हैं और चिल कर सकते हैं। दीज वर द डॉम्स। डॉम साइज वॉज रियली गुड। इनकी कॉस्टिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और यहाँ पे सर्विस भी टॉप नॉच थी। चलिए अब देखते हैं कसार देवी में घूमा कहाँ कहाँ जाए। शुरू कर सकते हैं आप कैफे हॉपिंग से बिकॉज देर आर वेरी एस्थेटिक कैफेज इन कसार देवी। एज इन ट्रेल्स पे आप चल के जाते हैं टू रीच दिस कैफेज आर ऑल्सो वेरी सीनिक। यहाँ से व्यूज बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज चिताई गोलू देवी टेम्पल। गोलू देवता शिव जी और कृष्ण जी दोनों के ही अवतार माने जाते हैं और इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। दूर दूर से आए लोग चिट्ठी पे अपनी मन्नतें लिखकर एक घंटे से बांधकर यहाँ दान करते हैं और कहा जाता है ये मन्नतें जरूर पूरी होती हैं। कसार देवी मंदिर, ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ देवी साक्षात रूप में प्रकट हुई थी। कहा जाता है इस मंदिर के आसपास ऐसी चुंबकीय शक्तियाँ या मैग्नेटिक पावर्स हैं जिनकी वजह से आपको पीस ऑफ माइंड महसूस होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहाँ आकर कई समय तक मेडिटेशन करी थी और इसी के बाद पर्यटकों में यह मंदिर फेमस हो गया। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज ढोकाने वाटरफॉल जो की है एक हिडन वाटरफॉल इन कसार देवी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको अपनी गाड़ी खड़ी करके छोटा ट्रैक करना पड़ेगा। इसकी टाइमिंग है 10 AM से 5 PM। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज कैंची धाम। कैंची धाम फेमस है एक ऐसी शख्सियत की वजह से जो कि हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। जी हाँ, बाबा नीम करोरी जी, उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा और अगर नहीं सुना है तो एक डिटेल्ड वीडियो उनके बारे में मैं जरूर आपके लिए बनाऊंगा अगर आप कमेंट्स में ये लिख दें मेरे लिए। जाने माने उद्योगपति और मशहूर हस्तियाँ कैंची धाम आके बाबा नीम करोरी जी के दर्शन लेके जाते हैं और कहा जाता है यहाँ आने वाले के काम जरूर बनते हैं। कैंची धाम से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है काठगोदाम जिसका डिस्टेंस यहाँ से 38 किलोमीटर है। यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट 76 किलोमीटर की दूरी पे है जिसका नाम है पंतनगर। एंड दिल्ली से कैंची धाम पहुँचने के लिए आपको लगेंगे अप्रॉक्स 7 आवर्स ब्रेक्स के साथ एंड यहाँ के रास्ते काफी खूबसूरत हैं। चलिए देखते हैं आप कैंची धाम में आप कहाँ स्टे कर सकते हैं। ये सारे कोलैबोरेशन ऑफ होटल्स हैं बजट फ्रेंडली एंड इनके रेट स्क्रीन पे आपके लिए आ ही रहे हैं। हालांकि यहाँ बहुत सारी जगह घूमने फिरने के लिए नहीं है पर एक पॉजिटिविटी और प्योरिटी आप इस जगह पे विजिट करके जरूर फील करेंगे, ये मेरा आपसे दावा है। द नेक्स्ट एंड लास्ट ऑन आवर लिस्ट इज लैंसडाउन। हालांकि ये जगह बहुत ज्यादा ऑफबीट तो नहीं है और कॉमन है टूरिस्ट के बीच पर ये जगह मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये दिल्ली के काफी पास है और यहाँ पे कंपेयर टू मसूरी, देहरादून और ऋषिकेश ऐसी जगहों से काफी कम भीड़ होती है। मौसम यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बहुत ही खूबसूरत रहता है तो एक ना एक बार अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जरूर विजिट करें इस जगह को। चलिए देखते हैं हाउ टू रीच लैंसडाउन। बाय रोड आपको लगते हैं अप्रोक्स 6 घंटे दिल्ली से लैंसडाउन पहुँचने के लिए। इसके रास्ते काफी साफ है और मैं जब यहाँ गया था तो मैंने रात का सफर किया था तो मुझे कोई ट्रैफिक या किसी भी प्रकार की और दिक्कत नहीं मिली। बाय ट्रेन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज कोटद्वार जहां से आपको 1 घंटा लगेगा लैंसडाउन पहुंचने के लिए। एंड द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज देहरादून जहां से 2 घंटे की दूरी पे आप लैंसडाउन पहुंच सकते हैं। चलते हैं और देखते हैं यहां पे अकोमोडेशन ऑप्शंस। जब मैं लैंसडाउन गया था तो मैं रुका था होटल रिवाइन पैलेस में और यहां की एक एक चीज मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। बीट द इंफ्रास्ट्रक्चर, द रूम्स, एक्टिविटीज, फूड, सब कुछ यहाँ टॉप नॉच ही था। मैंने इनके रूम के लिए पर नाइट सिर्फ 3,000 रुपीज पे किए थे जो मुझे काफी बजट फ्रेंडली लगा। द नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज ब्लू सेल्स एस्केपेड।
ये एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है लैंसडाउन में एंड इसके रेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द ब्लू पाइन रिजॉर्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रॉपर्टीज इन लैंसडाउन एंड ऑल्सो इज बजट फ्रेंडली। चलिए अब आपको लैंसडाउन घुमा के लाते हैं। बिगनिंग फ्रॉम द सेंट मेरीज चर्च, ये लोकेटेड है पौड़ी रोड पे एंड इसकी टाइमिंग्स है 9 AM से 12 PM एंड देन 2 PM से 5 PM। दिस इज अ मस्ट विजिट चर्च इफ यू आर गोइंग टू लैंसडाउन। मूविंग ऑन टू द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन इन लैंसडाउन, भुल्ला ताल। इसकी टिकट प्राइस है 150 rupees एंड यहाँ पे आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ काफी फन एक्टिविटीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द दरवन सिंह म्यूजियम, जो की इनॉग्रेट किया गया था 1983 में। इसकी पेड एंट्री है ₹50 एंड यहाँ पे करीब 1 घंटा तो चाहिए घूमने के लिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑन आर लिस्ट इज टिपन टॉप व्यू पॉइंट। यहाँ से आप वैली का एक ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इशू पार्किंग का रहता है तो ये सजेस्टेड है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टैक्सी से ही आ जाएं। सो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज आप कर ही देना ऐसी और वीडियोस आगे देखने के लिए, और बहुत ही ज्यादा अच्छी शॉर्ट्स भी मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, तो जाते जाते उन पर भी नजर मारते जाना। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और इस पे कमेंट अगर आप कर देंगे तो इस वीडियो की रीच YouTube और ज्यादा बढ़ाएगा। दैट्स हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।